नहीं छोड़ना होता। दोस्तों, आशा के सिवा कुछ नहीं था हमारे पास। बड़ी बड़ी बातें करती थी मैं, जैसे अरुण जी लेके जाते थे पहले ना रेलवे काउंटर पे, टिकट काउंटर पे लेडीज की अलग लाइन होती थी, वो थोड़ी कम होती थी। तो कहीं कभी टिकट कराना होता था तो अरुण जी मेरे को लेके जाते थे, जरा चलो टिकट लाइन में तुम खड़ी हो जाना। अब जाते थे स्कूटर पे बैठ के जाते थे, अब जब लौट के आते थे अरुण जी की ना याददाश्त चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो कुछ चीजें उनको बहुत अच्छे से याद रहती थी, कुछ चीजें भूल जाते थे। बाहर निकले, स्कूटर कौन से पार्किंग में, ऐसे पूछते थे कौन से पार्किंग में स्कूटर पार्क किया है। मैं कहती थी क्या अरुण जी, अभी एक स्कूटर पार्क किया है भूल गए हो, कल आपके घर में चार चार गाड़ियां होंगी तो भूल जाओ कि कौन सी गाड़ी लेके आए हो। फिर ड्राइवर को कॉल करोगे, बोलोगे मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे को आके लेके जा। ऐसी स्कूटर वाली ऐसी चार चार गाड़ियों की बात करती थी। फिर ये देखो अरुण जी क्या कहते थे, चलो चलो गरम गरम सीट पर बैठो, घर चलो। फिर घर जाके क्या होगा, डांट खानी है, डांट खानी है, समोसा बनाना है। एक सपने बुनना नहीं छोड़ा, बड़ा बोलना नहीं छोड़ा, तब तो मोदी के था भी नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, एक कॉल आया। देखो मैं क्यों आपसे कहती हूँ रोज 1 घंटा किसी को कॉल करना है, क्योंकि मेरे को किसी का कॉल आया। मेरी मदर इन लॉ ने फोन उठाया, मेरी सासू माँ ने। उन्होंने बोला हेलो, उन्होंने बोला हम मोदी केयर से बोल रहे हैं। मम्मी को लगा मोदी एयरलाइन होती है ना लुफ्तांजा, मोदी वालों की, उससे बोले। उन्होंने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं। मम्मी ने बोला आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं पूछा, आ जाओ। फिर मेरे से कहनी है वो एयरलाइन वाले लोग आ रहे, सुंदर सुंदर लड़कियां आने वाली है, मैंने हाँ भर दी। मैंने कहा वाह, अपने बेटे को कहनी है पर सुंदर सुंदर लड़कियां आएंगी घर पे, घर पे ही रहना। उन्होंने कहा वाह, देखो इसको कहते हैं जीवन में ना उत्साह छोड़ना नहीं चाहिए। अब वो दो लड़कियां आई, एक फाइल वो दी और बैठ गई। बात के लिए नहीं आती थी, बहुत स्मार्ट लड़कियां नहीं थी। आजकल तो मोदी के पास स्टाफ बहुत स्मार्ट होता है, तब स्मार्ट नहीं थी। क्या हुआ, आपके तनवे जी हमें कितना अच्छा आपको सपोर्ट करते हैं, हमारे पास तब ऐसा नहीं था। वो आके बैठ गई ऐसे करके, एक फाइल दी। उस फाइल में हमने ऐसे कागज पलटने शुरू किए, तो एक मोटर मैकेनिक अपने प्लेन के साथ खड़ा है, एक सिंपल हाउसवाइफ अपने बंगले के सामने खड़ी है, एक बंदे की फोटो थी जो ट्रक ड्राइवर था, उसका 100 किलोमीटर दूर से दिखने वाले पहाड़ी पर जो मकान था उसके सामने उसकी फोटो थी। बस ऐसी बड़ी बड़ी उस पर बातें थी और बोली कि ये बिजनेस इंडिया में शुरू कर रहे हैं हम, मोदी ग्रुप की कंपनी है, 8 प्रोडक्ट है हमारे पास, ज्वाइनिंग 1250 रुपए की है। अब ज्वाइनिंग कैसी है, फ्री 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 ज्वाइनिंग 1250 रुपए की है। पैसा मांग लिया तो हमने क्या बोला, सोच के बताइए। हस्बैंड से पूछेगी, पूछेगी नहीं। अब हस्बैंड आए, मेरे फादर इन लॉ आए, हमने उनको बोला। मेरे हस्बैंड कहने लगे ये सब किसी चक्कर में नहीं पड़ो, मैं हूं ना, कोई जल्दी नहीं है, सारे सिक्के पूरे हो जाएंगे। उन्होंने मना कर दिया। 15-20 दिन बाद घर से चिट्ठी आई, मोदी घर से, आपके घर आए थे, आपसे बात की थी, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप संडे को मिलोगे या फ्राइडे को मिलोगे। हमने चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से डाला कि हम संडे को मिल सकते हैं। फिर उनकी चिट्ठी आई कि आप सुबह संडे को सुबह मिलना चाहोगे, शाम को मिलना चाहोगे। हमने बोला सुबह मिलना चाहेंगे। महीने के बाद हमारे पास एक मीटिंग का इन्वाइट आया, ये सारे कार्यक्रम में 3-4 महीने निकल गए। फिर एक मीटिंग का इनवाइट आया, मैं मेरी सासू माँ मेरे ससुर जी और निशांत छोटा 1.5 साल का 1.5 ईयर्स का, हम लोग उस मीटिंग में गए। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से चला गया। निशांत बाहर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ। और एक बात बताऊँ, कहने लगा मम्मी भूख लगी है, भूख लगी, वहाँ पे सैंडविच था, मैंने सैंडविच खिलाया और इसको खूब सारी उल्टी हो गई। मैंने किसी को बुला के वो उल्टी साफ करवाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था बिल्कुल। मेरे को सिर्फ इतना समझ में आया था कि सुरेखा भार्गव ये कह रहे हैं कि तुम सफल हो सकते हो, बाकी कुछ नहीं पता। और ये बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग पैसा भी डाल रहे हैं,
सफल होंगे। तो भैया ये हमारी सफलता के लिए कुछ भी करेंगे तो बहती गंगा में हाथ धोना तो समझदारी है। समझ में कुछ नहीं आया, 1250 रुपए दिए ज्वाइनिंग करी। क्योंकि देखो मेरे मेरी सासू माँ कहने लगी, ससुर से तो बोले चलो ज्वाइन करते हैं, सासू माँ कहने लगी अपने से होगा नहीं, ये चलेगा नहीं। ऐसे बहुत सुने हैं वो, पहले पीरियड कंपनी आई